हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। मैं होप करता हूँ दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे। एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरी नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ एक न्यू वीडियो जिसमें हम एक्सप्लोर करेंगे दिल्ली मेट्रो की रेड लाइन। तो आइए दोस्तों, चलते हैं और करते हैं एक्सप्लोर। फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हैं ये दिल्ली मेट्रो की रेड लाइन है जो कि हमने मेट्रो बोर्ड कर ली है। अब देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा रेन हो रही है दोस्तों, तो थोड़ा सा विजिबिलिटी का कंसर्न आपको देखने को मिल सकता है। सो फ्रेंड्स, द रेड लाइन इज़ ए मेट्रो रेल लाइन ऑफ दिल्ली मेट्रो, ए रैपिड ट्रांजिट सिस्टम इन दिल्ली इंडिया। इट कंसिस्ट ऑफ द फर्स्ट स्ट्रेच ऑफ द दिल्ली मेट्रो दैट वॉज कंस्ट्रक्टेड एंड कमीशन इन दिल्ली एंड हैज 29 स्टेशन दैट रन्स फ्रॉम रिठाला टू शहीद स्थल गाजियाबाद ISBT विद ए टोटल डिस्टेंस ऑफ 34.69 किलोमीटर्स। If we talked about this metro, the entire line is elevated. The line connects the areas of Northeast Delhi, North Delhi and Northwest Delhi. The DMRC was incorporated in 1995 and constructed for Shadra to T-Sajari section began in October 1998 and opened for customers in December 2002. Friends, ये हम पहुँच चुके हैं दिल्ली का नेताजी सुभाष प्लेस स्टेशन, और आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल अच्छी बिल्डिंग्स आपको दिख जाएंगी। ये दोस्तों काफ़ी बड़ा कॉरपोरेट हब और रिटेल आउटलेट्स के लिए इसको जाना जाता है दोस्तों, जो कि नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में सिचुएटेड है। ये जो आप सामने स्टेशन देख रहे हैं दोस्तों, ये दिल्ली की पिंक लाइन का स्टेशन है, और यहाँ से आप इंटरचेंज कर सकते हैं दोस्तों पिंक लाइन के लिए, जो कि मंजरिस पार्क से आपका आनंद विहार की तरफ मेट्रो जाती है। दोस्तों मैं बात करूं तो ये वाली मेट्रो दिल्ली की सबसे ओल्ड मेट्रो लाइन इसको बोला जाता है। ये सबसे पहले 2002 में स्टार्ट हुई थी। ये हम वज़ीरपुर एरिया है उसको हम क्रॉस कर रहे हैं दोस्तों। काफ़ी सारी फैक्ट्रीज़ और रेजिडेंशियल एरियाज़, कमर्शियल बिल्डिंग्स आपको देखने को मिल जाएंगी यहाँ पर। ये मेट्रो पास होते हुए दोस्तों, काफ़ी लंबा इसका नेटवर्क है, अराउंड 34 to 40 किलोमीटर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपको रेजिडेंशियल कॉलोनीज देखने को मिल जाएंगी, इसको केशवपुरम बोला जाता है। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, थोड़ा सा विजिबिलिटी का आपको कंसर्न देखने को मिल सकता है दोस्तों, क्योंकि कैमरा से जस्टिफाई नहीं हो रहा था क्योंकि रेनिंग वेदर है बाहर, आप देख सकते हैं। और यहाँ मल्टीपल रेजिडेंशियल हाउसेज आप देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी कंजस्टेड आपको देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों अगर मैं बात करूँ, इसमें काफ़ी सारे इंटरचेंज स्टेशन आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, जैसे कि नेताजी सुभाष प्लेस, इंदरलोक, यहाँ से आप ग्रीन लाइन के लिए चेंज कर सकते हैं, और दो स्टेशन और कश्मीरी गेट है दोस्तों, वहाँ से आप येलो लाइन और वॉलेट लाइन के लिए चेंज कर सकते हैं। काफ़ी सारे एरियाज को दोस्तों कवर करते हुए मेट्रो पास होती है। ये फ्रेंड्स हम पहुंच चुके हैं प्रताप नगर मेट्रो स्टेशन, और यहां से दोस्तों आप इंडियन रेलवेज के न्यू सब्जी मंडी स्टेशन के लिए भी बोर्ड कर सकते हैं ट्रेन। और ये अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग आप देख सकते हैं पीछे। अगर फ्रेंड्स मैं बात करूं रेड लाइन की, तो ये मेट्रो टोटली ऊपर फ्लाईओवर पर, जो इसका रेल ट्रैक है उस पर चलती है ये, और ये अंडरग्राउंड पूरी लाइन में कहीं भी अंडरग्राउंड नहीं होती है। ये आप हॉस्पिटल देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल है, इसको सेंट स्टीफन्स हॉस्पिटल भी बोला जाता है। फ्रेंड्स ये हम पहुँच चुके हैं 30,000 मेट्रो स्टेशन, जो कि दिल्ली 30,000 कोट, यहाँ से आप जा सकते हैं। स्टेशन की खासियत ये है कि ये पूरा स्टेशन रेड कलर में बिल्ट है दोस्तों। इसका नेक्स्ट स्टेशन दोस्तों कश्मीरी गेट है, जहाँ से येलो और वॉलेट लाइन के लिए हम चेंज कर सकते हैं, और काफ़ी बड़ा इंटरचेंज स्टेशन है दिल्ली का, और वहाँ से आप ISBT भी है, इंटरस्टेट बस टर्मिनल जैसे बोलते हैं, आप वहाँ के लिए बसेस भी ले सकते हैं डिफरेंट सिटीज़ के लिए।
ये सारा दोस्तों 30,000 ही कश्मीर गेट का एरिया है। ये हम कश्मीर गेट पहुंच चुके हैं। काफ़ी बड़ा और वाइडर स्टेशन है दोस्तों ये। ये हमने ट्रेन दोस्तों डिबोर्ड कर ली है, हम जा रहे हैं नीचे की तरफ। यहाँ से हम चेंज करके दोस्तों दूसरी साइड से एक बार फिर मेट्रो कैच करेंगे और जाएंगे अपनी जिस डेस्टिनेशन से हम आए हैं। ये आप इंटरचेंज देख सकते हैं, इंटरचेंज येलो और बुलेट लाइन के लिए। तो दोस्तों एस्केलेटर्स और स्टेयर्स दोनों आपको अवेलेबल मिल जाएंगी, आप उनके थ्रू चेंज कर सकते हैं। ये आप येलो लाइन का ट्रैक है दोस्तों, आप देख सकते हैं, जो कि आपका बादली से गुड़गांव गुड़ा सिटी सेंटर को कनेक्ट करती है मेट्रो। ये मेट्रो आपको अंडरग्राउंड और ऊपर दोनों में देखने को मिल जाएगी फ्रेंड्स। टायर दिल्ली के मेट्रो का मैप यहाँ से आप देख सकते हैं दोस्तों। ये एस्केलेटर्स, काफ़ी ज़्यादा फुटफॉल क्राउड आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों इस स्टेशन पर, कश्मीरी गेट पर। ये आप देख सकते हैं, हम कश्मीरी गेट पर हैं मेट्रो स्टेशन पर और अभी हम प्लेटफॉर्म पर मेट्रो का वेट कर रहे हैं। देख सकते हैं फाइनली मेट्रो अराइव। तो हम यहाँ से मेट्रो बोर्ड करेंगे दोस्तों वापस नॉर्थ दिल्ली की तरफ जाने के लिए। सो वी हैव बोर्डेड द मेट्रो दोस्तों। इस टाइम काफ़ी लो आपको क्राउड देखने को मिल जाएगा। ये दोस्तों हम 30,000 ही से होते हुए जाएंगे नेताजी सुभाष प्लेस की तरफ। तो फ्रेंड्स आज की हमारी जर्नी यहीं तक थी। मैं होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कमेंट सेक्शन में आपको वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों आपने अभी तक नहीं किया है तो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।